हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विरोध कुमार, आपका स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का गणित कक्षा 10 के लिए हम हल कर रहे थे। हम 2020 का मॉडल पेपर हल कर चुके थे। 2019 के जो पिछले साल के कुछ पेपर्स हैं वो हल कर चुके थे। अभी तक हमने 3 सेट कुल मिला के हल कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे चौथा सेट, जो ऐसा दिखाई देता है और ये पेज नंबर 17 पे शुरू होता है। तो अगर आपके पास ये किताब है तो चलिए शुरू हो जाते हैं इसको लेकर के, फिर देखते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चार विकल्प दिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी घंटों के चार विकल्प दिए होते हैं, इसमें से एक विकल्प सही होता है। कौन सा विकल्प सही है ये हमको बताना है। पहला प्रश्न के लिए, पहला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, अगर विषम निकालना है तो हमको सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं, आपको सारा चीज बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगा कि आपको यन के अलग अलग मान 1 2 3 4 5 6 7 8 रखने हैं। जिस विकल्प पे हर बार विषम आए वही आपका उत्तर सही है। इस पे रखेंगे, एक रखने पर विषम आएगा लेकिन दो रखने पर सम आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे यन प्लस वन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे वन साथ में होना चाहिए था। तो यन प्लस वन पे भी हर बार आपको विषम नहीं मिलने वाला, 2n पे तो सम हर बार मिलेगा। ये सम का रूप होता है और विषम का रूप ये चौथा होता है। तो 2n प्लस वन, इस पे आप अलग अलग गिनती रख के प्रयास कर लीजिएगा, तो यही होगा अपना उत्तर। आपको इसको हल करने का तरीका बता देता हूँ। आपको प्रश्न संख्या लिखनी है और एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसको आपको इस प्रकार हल करना है। प्रश्न संख्या एक लिख लेना है, क उसके पूरा प्रश्न जो भी है बहुविकल्पी के लिए यही है। अब वो प्रश्न उतार लेना है, उसके बाद जो सही विकल्प है उसको लगा के यहाँ पे सही एक निशान लगा देना है। इसको नीली पेन से लिखना है, इसको काली पेन से लगाना है। मेरे पास अभी सब कुछ यही था तो इसी से लगा दिया। ऐसा करेंगे तो एकदम परफेक्ट अच्छा उत्तर मिलेगा। और साथ में आप यहाँ पे ख लिखेंगे और उसका प्रश्न उतारने के बाद उसका नीचे उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार इस प्रश्नों को हल किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं उसका क्या हाल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए 6.5 बी -4.3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इसको हम रफ में हल कर लेंगे, उसके बाद सही विकल्प को लिख देंगे। और चाहे तो आप इसको हल करते वक्त लिख भी दें साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करना है। सो दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना वाई अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो ए यानी कि 6.5 और बी यानी कि -4.3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है यक्ष कॉमा यक्ष पे वाई अक्ष पे स्थित है तो वो जीरो हो जाएगा। यक्ष का मान अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एक बिंदु रखना चाहेंगे तो उसके लिए यक्ष का मान जीरो रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे यक्ष के जगह पे जीरो रहेगा, वाई के जगह पे वाई रहेगा। अब ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है तो वो इस प्रकार होगा कि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। तो अगर इस बिंदु को मान लेते हैं ओ, तो ए ओ बराबर बी ओ हो जाएगा। और इसमें हमको सूत्र लगा देना होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर बराबर एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। और इसमें ये बात रहेगा, अंडर रूट भी लगा रहता है लेकिन दोनों तरफ जब बराबर हो जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो ए ओ स्क्वायर बराबर, मतलब
ए ओ बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर दूरी लेते हैं तो इसको यकसुन मान लेते हैं, तो 6 माइनस 0 मिल जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस 5 माइनस y हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, बराबर इन दोनों को लेते हैं तो -4, -0 हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस 3 माइनस y हो जाता है और होल स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 माइनस 0 बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दुनिया 10 y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -4 को वर्ग करेंगे प्लस 4 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा वाई, और 3 दुनिया 6 y 6 y हो जाएगा। काटने की शुरुआत करते हैं तो y से कट जाएगा, बराबर के इस पार उस पार समान चिन्ह के साथ है तो कट जाएगा। और क्या करेंगे कि 10 y को उधर भेज देते हैं और सारी गिनतियों को इधर भेज देते हैं, यहाँ पे 36 और 25 को जोड़ देते हैं, 6 5 11 3 2 5 1 6, और ये गिनतियाँ 9 5, ये हो जाएगा 16 9 25, क्यों जोड़ दिया छोड़ते हैं, 36 प्लस यहाँ पे 25 रखते हैं, ये गिनती इधर आ जाएगी, +25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा सॉरी, और बराबर यहाँ पे -6 y है, ये गिनती उधर जाने के पास +10 y हो जाएगी, 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ पे 36 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4 y, 4 9 y 36, y बराबर आ जाता है 9। तो यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो रहा था, पहला विकल्प सही हो रहा था 0.9 हो जाएगा उत्तर, यहाँ पे हम विकल्प लिख देंगे। और ये आप रफ में हल करेंगे तो बाकी आपकी चॉइस है, चाहे तो ऐसे हल करते चले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे था 0.9 वह अभीष्ट बिंदु है, मानो 0.9 वह अतः वह 0.9 वह अभीष्ट बिंदु है, और विकल्प साथ में लिख देना जरूरी होता है, विकल्प नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमको दिखाई दे रहा है कि चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त हैं, बाह्य वृत्त की एक जीवा यानी बड़े वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है जो अंत वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है तो और की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी ये ए बी की लंबाई। अब देखिए आपको समझ में आना चाहिए 5 है ये 3 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से 4 मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा 4 हो जाएगा, ये 4 है ये 4 है, 4 4 मिलकर 8 हो जाएंगे, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके आपको ये आना चाहिए, वैसे हल करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों अगर इस वृत्त में हमको संकेंद्रीय वृत्तों में देखने जाए, यहाँ पे 5 हो रहा है यहाँ पे 3 हो रहा है, ये बन जाता है 4 पाइथागोरस प्रमेय से, 5 5 25 माइनस 3 3 9 बराबर 16, 16 का वर्गमूल 4, ये मिल जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे हल करके तो ये हल देखिए ऊपर वाली सवाल ये जो है थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, मुझबानी नहीं आ रही थी इस वजह से थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ये आ सकती है तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को उतारिए, सही विकल्प को सीधा सीधे लिख दीजिए, उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा हल भी कर देंगे तो भी अच्छी बात है। ओके दोस्तों तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यहाँ पे घर नंबर प्रश्न, यहाँ पे 2 tan 30 degree यानी 2 30 tan 30 अंश बटे 1 1 plus tan² 30 अंश, इसका मान मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था ऐसे ही आया था, और उसका साइन 60 अंश उत्तर हो रहा था, इसमें भी वही होगा। आपको करना बस इतना सा है कि यहाँ पे 10 30 का मान रख देना, 10 30 का मान रख देना, 1/√3 हल कर देना है और जिसके रूप में मिलेगा वही हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 60 अंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई द्वारा चले गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पिछले प्रश्नावली में भी सेम टू सेम सवाल थी, वहां पे 5 मिनट की बात थी, यहाँ पे 1 मिनट की बात है, वही सूत्र लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए सवाल में करना क्या है, एक घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई है 8 सेंटीमीटर है,
वो 1 मिनट में कितना तर्जखंड को कवर करेगी, ये हमको बताना है। तो भैया सीधी सीधी बात, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल होते हैं 60 मिनट 1 घंटे में। जब घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाती है या फिर कोई भी सुई एक संकेट लगाती है, वो 60 मिनट के बराबर चलती है और टोटल होता है 360 अंश का कोण। जब इससे भाग करते हैं तो 1 मिनट बराबर मिलता है 6 अंश का कोण। और अगर ये मिनट वाली सुई 6 अंश घूम रही है 1 मिनट में, तो यहाँ पे जो सूत्र बन जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है और थीटा बाय 360 होता है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। यहाँ पे 6 रख देंगे तो 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 × 120 यानी पाई आर स्क्वायर बटे 120 आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होता है। और यहाँ पे हमको एक का विकल्प सही नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या समझा जाए इसे? मिस्टेक। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछला क्वेश्चन तो गलत निकला, वहां पे थीटा बट 120 बटे में आना चाहिए लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो मान लेते हैं गलत है और आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आखिरी प्रश्न है इसका पहले का, एक पासा एक बार फेंका जाता है, पासे में 6 अंक होते हैं, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे अभाज्य जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है कौन सी, चलिए देखते हैं एक बार। भैया प्रश्न था कि एक पासे को फेंकना है, टोटल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इनमें से कोई भी गिनती आ सकती है। और जब ये इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं पहले जान लेते हैं। एक तो न अभाज्य होती न अभाज्य होती है, दो पहली छोटी अभाज्य होती है, ये भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, टोटल संख्याएं हैं 6 और हो गया 1/2, ये होगी आपकी प्रायिकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन की बारी शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हल करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में आपको केवल प्रश्न लिख के उत्तर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे के जो प्रश्न हो जाते हैं उनमें हल करना पड़ जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे टोटल 4 प्रश्न है, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, इनमें 4 के 4 खंडों को करना है और बाकायदा हल करते हुए करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है का नंबर वहां पे दिखाई दे रहा है कि चित्र में DE समांतर BC, ये जो DE है BC के समांतर है, तो यहाँ पे समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगा। यहाँ पे AD बराबर X दिया गया है, BD बराबर X माइनस टू दिया है, AE बराबर X प्लस वन दिया गया है और EC बराबर दिया गया है X माइनस एक। तो यहाँ पे समानुपातिकता प्रमेय लगाते हैं, X का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, चित्र पहले बना लेते हैं। ये बन गया, यहाँ पे ए हो गया, BCD और E हो गया। यहाँ पे दिया गया है DE समांतर BC, साथ में दिया गया है AD बराबर X, DB बराबर X माइनस दो, AE बराबर दिया है यक्स प्लस दो और EC बराबर दिया गया है यक्स माइनस एक। यक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से। हो जाएगा इतना बटे इतना, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC और हो जाएगा, सभी का मान रख देते हैं। AD का मान रख दिया x, DB का मान रख दिया x माइनस दो, AE का मान रख दिया x प्लस दो और इसका मान रख दिया x माइनस एक। तिरछा गुणा करा के शुरू कर देते हैं, इसको इधर गुणा कराएंगे तो मिलेगा x स्क्वायर और माइनस x, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर और इन दोनों का a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे लगा देते हैं सीधा सीधा सूत्र। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको इधर पहुँचा देते हैं या फिर सीधे सीधे काट देते हैं,
यहाँ पे माइनस एक्स बराबर माइनस चार, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर चार, ये हो गया उत्तर। अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। प्रश्न है sec 37 अपॉन cosec 53 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछले सेट में भी एक प्रश्न ऐसा था, वहां पे हल किए थे, वहां पे भी एक आया था और इसमें भी एक ही आएगा। चलिए हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको इसमें कर देना होगा इस sec जो लिखा है 37 को जिसको बना देना होगा 90 अंश माइनस 53 अंश, 90 में 53 घटाने पर 37 मिल जाएगा। यहाँ पे है cosec 53 अंश, बस अब अगला जो हो जाएगा वो cosec बदल जाएगा, sec बदल जाएगा cosec में, cosec 53 अंश में, और यहाँ पे cosec 53 अंश है, दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिल जाएगा एक। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, इतनी सी बात यहाँ पे लिख देनी है, ऐसा हो जाएगा काम खत्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे दिया गया है एक चित्र में वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ बी ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। ओ बी बराबर 20 है, ओ बी बराबर 20 है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग चतुर्थांश के अंदर खींचा गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर है और ओ ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे एक विकर्ण है, हम यहाँ से जो विकर्ण, ये वर्ग का जो विकर्ण है ये वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी ये और ये बराबर होंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो हो जाता है ए रूट टू, यानी कि 20 रूट टू सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, तो यही हो जाएगी अपने वृत्त की त्रिज्या, यानी कि चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 20 रूट टू सेंटीमीटर। अब यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकलेगा, लिखेंगे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, इतना सिंपल सी बात है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र लग जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, बटे चार लगा देंगे, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देंगे, नीचे चार है ही, आर का मान क्या रखेंगे, वृत्त की त्रिज्या है वो है 20 अंडर रूट टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर की थी, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे पाई का मान रखें कि न रखें, खैर आगे चलते रहते हैं, 22/7 को ऐसे रहने देते हैं, गुणते चार रख देते हैं, 20 यहाँ पे दो बार गुणा हो जाएगा और अंडर रूट दो का हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ पे 20 गुणते 20 हो जाएगा, 2 से काट देंगे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, 20 दहम 200 इसको हम पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस 20 विषम में 400 लिख सकते हैं। पाई का मान हम यहाँ पे रखते जाएंगे, एक बार उत्तर देख लेते हैं कैसे दिया गया है।
इसमें हमको ऐसे पाई के मान यहाँ पे 22/7 रख देना है, रखा रहेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब कुल मिला के हमको गुणा करना है, उसके बाद 400 को घटा देना है, तो 22 दुना 44 हो जाएगा। इतना 7 - 400 है, यहाँ पे भाग देते हैं और उत्तर लिखते हैं। अब ये भाग का काम आप रफ में करेंगे जब हेयर करने लगेंगे, मेरे पास यहीं पे जगह खाली है तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 4 4 0 0 हो जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 7 6 28, 7 5 35, 7 6 42 बचेगा, 2 7 9 14 बचेगा, 6 7 8 56, और ये बचेगा 4, और फिर दशमलव आ जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर आगे चलता जाएगा। हम 2 बार 7 5 35, बस इतना ले सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा 628.5 -400 है, और अगर हम इसे घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा उत्तर। 228 के लिए इसमें दिया है, 0.5 तक मिलेगा, तो आपका ये उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 का और ये इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न होगा। यहाँ पे दिया गया है कि एक थैले में 2 से 90 तक लिखी संख्या तक लिखी संख्याओं के कार्ड है, यानी एक थैले में 2 से 90 तक संख्याओं को लिख करके कार्ड में डाल दिया गया है। थैले से एक कार्ड को यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो इस प्रश्न में है, एक थैले में 290 तक कार्ड को थैले में 2 से 90 तक कार्डों को लिख करके डाला गया है, तो यहाँ पे कुल संभावित परिणाम एक कार्ड निकालने के, कुल संभव जो परिणाम हो जाएंगे वो होंगे 90, 1 से 90 तक रहेगा तो 90, 2 से 90 है तो कुल मिला के 89 परिणाम हो सकते हैं। आपको ये समझना होगा, 1 से 90 तक लिखा जाएगा तो 90 हो जाएगा, 1 छोड़ दिया गया यानी 89 परिणाम, यानी कि 89 कार्ड उसमें थैले में डाले गए हैं। अब 2 अंकों की संख्या होने के, 2 अंकों वाले कार्ड की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब इनकी शुरुआत जो होती है वो होती है 10 से, यानी कि अगर 90 तक है उसमें से 9 गिनतियां निकाल दी जाए, यानी टोटल बनेगा 81 ऐसे कार्ड होंगे जिन पे 2 अंक लिखे गए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से ले गया 90 तक लिखा है। हमने क्या किया, 1 को छोड़ दिया, तभी 2 से लेकर के 90 तक 89 कार्ड हो गए जो डाले गए हैं, और यहाँ से अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये 2 अंकों वाली संख्या है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, तो इनको छोड़ दिया गया है, उसके बाद कितने कार्ड मतलब हो सकते हैं जो 2 अंकों वाले कार्ड होंगे, तो यहाँ पे बन जाते हैं 81 ऐसे कार्ड होंगे जिन पे 2 अंकों वाले लिखे गए होंगे। तो यहाँ पे 2 अंकों वाले कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 अंक ऐसे लिखेंगे, 2 अंक प्राप्त होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता इसके लिए हो जाएगा जो संभावना है उसको ऊपर रखें जिस पे आप जीत रहे हैं, और टोटल संख्याओं को नीचे रखिए, बस यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो हो जाता है खत्म। आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सेट नंबर 4 का मैंने बता दिया है, जल्द ही अगला प्रश्न भी आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मैं साइंस के भी अनसॉल्व लेकर आऊँगा, तो ओके बाय, धन्यवाद।